जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखियो। अब अगर श्रुति के खिलाफ एक भी गलत शब्द कहा ना तो तुम्हें अपनी जबान खोलने पर बहुत अफसोस होगा, बहुत पछताओगी तुम। विराट, आवाज नीचे। ये हमारा घर है, तेरा पुलिस स्टेशन नहीं। और क्या गलत बोला है करिश्मा ने? अपनी गलतियों पर दूसरों पर चिल्लाना ये सिखाया तूने? वीरू तू बदल गया, तू हम सब पे चिल्ला रहा है। वीरू मैं ना तुझसे हमेशा के लिए कट्टी 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 हो जाऊंगी। जिंदगी भर बात नहीं करूंगी मैं तुझसे। तुझे वो गंदी श्रुति याद है? तू हमारी सही को भूल गया? एक बार भी तुझे उसके लिए बुरा लग रहा है? वो बेचारी अकेली अभी कहाँ होगी, क्या कर रही होगी, सोचा तूने? विराट, तेरा ये फैसला इस परिवार को तोड़ कर रख देगा। तो अगर घर छोड़कर चला जाएगा तो समाज में इस घर की क्या इज्जत रहेगी? मैं इस घर से बड़ा नहीं हूं काकू। इस घर को जोड़ के रखना तोड़ना मेरे हाथ में नहीं है और ना ही ये फैसला मेरा है। और अब तो वैसे भी गंदी मछली को निकाला जा रहा है ना, तो तालाब अब खुद ब खुद साफ हो जाएगा। अच्छा, तो तुम ये मानने लगे हो कि तुम इस तालाब की गंदी मछली हो? क्या गंदी मछली को पूछा गया था निकालने से पहले? नहीं नाई, तो अब क्यों पूछना? आप लोग अपनी सोच अपने पास रखिए ना। हमारी ये सोच तुम्हारी वजह से ही बनी है। हम सबने तेरी हरकतें देखी हैं, लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा है तुझे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ये घर छोड़कर जाओगे, वो भी सही के लिए नहीं, किसी और औरत के लिए। मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। मैं चलता हूं। कैब आने वाली है। विराट रुको, क्या मैं पूछ सकती हूँ विराट कि तुमने ये कैब कहाँ के लिए बुक की है? वैसे कहाँ रहने का सोचा है तूने? जब रिश्ता तोड़ने से पहले सोचा नहीं तब ये पूछने का क्या फायदा कि मैं कहाँ रहूंगा या नहीं रहूंगा, जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा, क्या मतलब है इस सब का? वैसे ये सारी बातें तू कब तक सबसे छुपाएगी? एक ना एक दिन तेरी पूरी डिपार्टमेंट को ये बात पता चली जाएगी और वो दिन दूर नहीं है जब तेरी हरकतों के वजह से तुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। सही की जगह कोई और लड़की होती ना विराट, तो अब तक तेरे खिलाफ कंप्लेन कर चुकी होती। लेकिन सही कभी भी जानबूझकर तुझे किसी भी मुसीबत में नहीं डालेगी। ये फर्क है हमारी सही में और बाकी लड़कियों में। सही चाहे तो मेरे खिलाफ कंप्लेन कर सकती है। मैं ये भी जानता हूं कि मेरी नौकरी कैसे जा सकती है और किन वजहों से जा सकती है। मैं दोषी साबित हो गया तो चली जाए मेरी नौकरी, चलेगा मुझे। क्या चलेगा? क्या क्या चलेगा? तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो रही है, ये चलेगा? तुम्हारी जिंदगी का बस एक ही मकसद रह गया है, वो श्रुति के साथ रहना, ये चलेगा? वो श्रुति तुम्हारे लिए सब कुछ हो गई है, ये चलेगा? अश्विनी बस करो, इसे और कोई सवाल करने का कोई मतलब नहीं है।
से सवाल करना मतलब दीवार पर सर पटकने जैसा है। एक बार दीवार जवाब दे देगी, लेकिन ये कुछ नहीं बोलने वाला। उस श्रुति के बहकावे में आकर तो बहुत गलत कर रहा है विराट। तेरी सोच, तेरा रवैया, तेरी जिद और तेरा ये फैसला तुझे बर्बाद करके रख देगा। तुझे सफर पर चल पड़ा है ना, उसकी मंजिल तकलीफों से भरी पड़ी है। तू वहां पहुंचकर हम सबको याद करेगा, हमसे माफी मांगने की कोशिश करेगा, लेकिन कोई भी तुझे माफ नहीं करेगा। पता नहीं क्यों, पर मुझे अभी भी लग रहा है कि कोई बात तो है जो हमारी नजर से छुपी हुई है। तू जो बोल रहा है, जो हम देख रहे हैं, उसमें से कुछ तो ऐसा है जो हम समझ नहीं पा रहे। मानसीता प्लीज, आप ना अपनी सोच बदलिए कि सब लोग अच्छे और सच्चे होते हैं। और आपका ये जो अंदाजा है ना कि नजर कुछ और आ रहा है और हकीकत कुछ और है, ऐसा कुछ नहीं है। इसे सिर्फ आप गलत को सही साबित करने की कोशिश कर रही है, और ये सब गलत है जो सही के साथ हो रहा है। जिससे मेरे बारे में जो राय बनानी है बना ले, इससे मेरी सच्चाई बदलेगी नहीं कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मेरी कोई गलती नहीं है, तूने कोई गलती नहीं की है। किसकी गलती? हम सबकी, सही की। लो जवाब दो। विराट, तुझे सच में लगता है कि तेरी हर हरकत, तेरा हर फैसला सही है? सम्राट, इससे कोई भी सवाल करके अपना ही वक्त जाया होगा, जाने दे इसे। अब इसे ना तो कोई जवाब देने में दिलचस्पी है और ना ही हमारे सामने कुछ साबित करने में। इसकी सारी दिलचस्पी तो उसमें है। काकू, आपने आज तक मुझे जो कुछ भी सिखाया है वो ना तो मैं भूला हूं ना कभी भूलूंगा। आपकी दी हुई सीख मेरे साथ हमेशा रहेगी। पता ही नहीं चल रहा है ये मेरा आशीर्वाद लेने कौन आ गया है। इस इंसान को तो मैं नहीं जानती। ठीक है आई, वैसे भी अगर आप आज मुझे आशीर्वाद देती तो दिल से नहीं देती। आज मुझे पहचानने से इनकार कर रही है। आज मैं आपके लिए अजनबी हूं। मला माफ करा। आवाज संभल कर,
शांत हो जा, संभाल अपने आप को। मैंने बोला था ना कि वीरू और सई को कभी अलग नहीं होना चाहिए। अब तो सई और वीरू दोनों घर छोड़ के अलग अलग चले गए। पता नहीं उन दोनों के साथ क्या होने वाला है। हाय मिस्टर चौहान। हेलो डॉक्टर। श्रुति कैसी है, उसे होश कब आएगा? आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपकी वाइफ का ऑपरेशन सक्सेसफुली हो गया, लेकिन अभी भी उन्हें कांस्टेंट मॉनिटरिंग और केयर की जरूरत है। सब ठीक तो है ना? एवरीथिंग इज नॉर्मल, आप प्लीज स्ट्रेस मत लीजिए। एक्चुअली जो केयर और मॉनिटरिंग की आपकी वाइफ को जरूरत है ना, वो फैसिलिटीज हमारे हॉस्पिटल में है नहीं। तो आप क्या सजेस्ट क्या कर रही हैं? मिस्टर चौहान, मैं ये सजेस्ट कर रही हूँ कि आप अपनी वाइफ को किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाइए। नागपुर में और भी अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, आप उन्हें वहाँ एडमिट करवा सकते हैं। आप काफी नसीब वाले हैं मिस्टर चौहान, आपने मुझसे और पुल के जीजू से बचने के लिए यहाँ इतनी दूर इस हॉस्पिटल में श्रुति को एडमिट किया। लेकिन देखिए ना, पुल के सर को ही श्रुति के ऑपरेशन के लिए बुलाया गया और वो ऑपरेशन इतना क्रिटिकल था कि पुल के सर के अलावा हर किसी के बस की बात भी नहीं है। विराट ऐसा कैसे कर सकता है? मैं उसी की वजह से तो इस घर में आई थी। पहले सई को लाके उसने मुझसे किया हुआ वादा तोड़ा। खैर वो सब तो मैंने जैसे तैसे झेल लिया था, मगर कम से कम वो मेरी आंखों के सामने तो था। लेकिन अब तो वो इस घर से ही चला गया। मैंने सम्राट को जैसे तैसे अपने से दूर रखा हुआ था अभी तक, लेकिन मुझे उसे ही अपना पति मान लेना होगा। मैं क्या करूं, क्या करूं? क्या हुआ? वो कुछ नहीं, बस वो थोड़ा सा सरदर्द हो रहा था। पूरे घर का माहौल ही बिगड़ गया, हर कोई बुझा बुझा लग रहा है। पता नहीं विराट के सर पे कौन सा भूत सवार हो गया है कि वो किसी की बात ही नहीं सुन रहा है। ये श्रुति कभी मुझे मिल गई ना तो छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। क्या करोगे तुम? से कहूंगा कि विराट की जिंदगी से चली जाए। और वो चली जाएगी? सम्राट, विराट ये घर छोड़कर चला गया है, हम सब मिलकर भी उसे रोक नहीं पाए। यहाँ तक कि बड़ी मामी ने भी उसे कहा कि वो श्रुति को छोड़ दे, लेकिन विराट ने बड़ी मामी की बात तक नहीं मानी। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे कहने पर वो श्रुति विराट को इतनी आसानी से छोड़ देगी? वहीनी, अश्विनी वहीनी। नहीं नको, मन नहीं है। अश्विनी, अपने चेहरे को अखबार मत बना जिसमें सब लोग हमारे घर का हाल पढ़ सके। पटनायक भाव साहब के यहाँ सत्यनारायण कथा में हमारे पड़ोसी भी आए हैं, मन ना भी हो तो भी थोड़ा सा हंस ले। कुछ खा ले। दे, प्लेट दे। ये समोसा टेस्टी दिख रहा है, खा ले। खा, तुझे प्लेट कूटेगा। मैंने खा लिया। अश्विनी जी, भवानी जी, नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। बहू नहीं आई आपकी? वो मेरी बहू करिश्मा है ना, वो मायके गई है और हमारी पत्र लिखा कि तबीयत हेल्थ सेहत ठीक नहीं है ना, इसलिए वो नहीं आ पाई। और अश्विनी जी, आपकी बहू हरे वो जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है, उसे साथ में नहीं लाई क्या आप? उसे कुछ जरूरी काम आ गया इसलिए कॉलेज गई है। आपको कैसे पता? वो तो अभी आपके साथ रहती भी नहीं है। मेरी बेटी ने देखा था, आपकी सही सामान लेके घर छोड़ के चली गई।
अरे तुम तो बोल रही थी कि विराट भी घर छोड़ के चला गया है। हाँ वो चला गया है छोड़ के। अरे ऐसी क्या बात हो गई, पहले बहू घर छोड़ के गई फिर बेटा घर छोड़ के गया, अरे दोनों अलग हो रहे क्या? नहीं दोनों अलग नहीं हो रहे हैं, वो किसी काम से गए हैं, बस बहुत जल्द लौट भी आएंगे। भवानी जी आपकी छोटी बहू है ना, पहले भी बहुत बार घर छोड़ चुकी है, मेरी बेटी ने तो वीडियो बना के भेजा है उसका। आपकी बहू ना आपके परिवार की बेइज्जती कर रही थी पूरे मोहल्ले में, और सारा मोहल्ला देख के हंस रहा था, असद नहीं कराला पाइजे होता ना तीने। क्या बात कर रही हो, अरे ऐसा भी हुआ था क्या? अरे जरा वो वीडियो मुझे भी भेजना, मैं भी तो देखूं उनकी छोटी बहू ने क्या क्या ड्रामा किया था। मेरे घर की इज्जत इस तरह खुलेआम उछलेगी, कभी नहीं सोचा था। इनको अभी नहीं रोका तो बात और बढ़ जाएगी। वो मेरी बहू नहीं है, अश्विनी की बहू है, ये उसे कंट्रोल नहीं कर पाई। मतलब ये सच है कि साई घर छोड़ के चली गई, और घर के बड़ी होने के बावजूद आप उसे रोक नहीं पाई? आपको क्या लगता है बहनी ने कोशिश नहीं की होगी? लेकिन वो जंगली मुर्गी एक बात सुनने को तैयार नहीं, यहां तक कि सई ने डिवोर्स की भी धमकी दे दी। तुम लोग यहाँ पर पूजा के लिए आए हो या गप्पा गोष्ठी करने? भवानी जी अब चार पड़ोसन मिलेगी तो थोड़ी बातचीत तो होगी ना, और आप तो तलाक के सब खिलाफ थी, फिर आपने कैसी परमिशन दी? अरे परमिशन कोई मांगेगा तब तो देंगी ना, बहू तो पहले ही घर छोड़ के चली गई, वो भी दूसरी बार, वो भला क्या परमिशन मांगेगी। अब देखना सीधा डाइवोर्स के कागज भेजेगी। अब अश्विनी तेरे बहू बेटी की बात चल रही है ना, अरे कुछ तो बता क्या हो रहा है, तेरे बहू का किसी के साथ चक्कर चल रहा है क्या? हाँ अरे आजकल तो ये बहुत होता है, और हाँ कहीं तेरी बहू भाग तो नहीं गई ना उसके लवर के साथ? वैसे तो आजकल ना लड़कियों का जरा भी भरोसा नहीं। गप्पा मसाना, मैं अपनी बहू के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुनूंगी, उसकी कोई गलती नहीं है, गलती मेरे बेटे ने की है। अच्छा क्या किया है तुम्हारे बेटे ने? अरे ले देखे प्रॉब्लम क्या होती है, होगा किसी दूसरी औरत के साथ चक्कर। अरे देवा इतना बड़ा पुलिस ऑफिसर और दूसरी औरतों के साथ संबंध रखता है? बस क्या बकवास कर रही हैं आप लोग, शर्म नहीं आती? भवानी जी आप तो घर की बड़ी है ना, अब हमारे घर में कोई प्रॉब्लम होती थी तो आप तो बड़ा हमें ज्ञान देती थी, अब खुद के घर में डिवोर्स हो रहा है डिवोर्स, और अब कुछ नहीं कर पा रही है। और क्या चल रहा है वो ट्रेंड आजकल? अरे हाँ वो ब्रेकअप पार्टी। कम से कम हमें डिवोर्स पार्टी में बुला लेना आप, और क्या डिवोर्स पार्टी, बड़ा मजा आएगा। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.